आज हम एक एक्टिविटी करेंगे। हमने लास्ट दो तीन दिन पहले हमने एक बॉक्स बनाए थे, है ना, एक बॉक्स बनाया था, तो जिसका नाम हमने क्या रखा, मैजिक बॉक्स, ठीक है। और हमने उसमें बात भी की थी कि हर दिन हम एक एक्टिविटी उसमें करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है जो हमने पिछले दो दिन पहले जो एक्टिविटी की थी उसमें विनर कौन रहा था, और रनर दीक्षा रनर, ठीक है। आज भी हम वैसा ही करेंगे, जो विनर होगा उसको 2 स्टार मिलेंगे, जो रनर होगा उसको 1 स्टार मिलेगा, और अगर हाँ रनर 2 भी हो सकते तो उनको दोनों को 1-1 स्टार, ठीक है। तो आज हमारे पास इस बॉक्स के थ्रू एक एक्टिविटी है जिसको हम परफॉर्म करेंगे, है ना। तो अब सबसे पहले ध्यान से सुनना है, जब भी कोई भी काम हमारे क्लासरूम में हो रहा होता है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या है, सबसे पहले आपका ध्यान किधर होना चाहिए, जो आपके अध्यापक आपको करवा रहे हैं, जो आपके टीचर बोल रहे हैं, उस पर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है, तभी आप सही से कर पाओगे। लास्ट एक्टिविटी में क्या मिस्टेक हुआ था, भविष्य आपसे क्या मिस्टेक हुई थी, याद है आपको, जब क्या मिस्टेक किया था आपने, सारे नोट मिक्स कर दिए थे जिस वजह से आपको गिनने में प्रॉब्लम हुई ना। अगर सारे नोट्स अलग अलग होते तो आपने सबसे पहले शायद बना लेना था, है ना, काउंट कर लेना था। और दूसरा, आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि मैं बहुत जल्दी से कर लूंगा, तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, ध्यान से करना है, जैसे आपको सिखाया जाता है वैसे आपने करना। तो हमारे पास आज एक बॉक्स है जिसका नाम है मैजिक बॉक्स, जो हमारे साथ हमेशा रहेगा, ठीक है, हमारे क्लास में हमेशा रहेगा। अब इसमें सबके लिए एक एनवलप है, ठीक है, जो आप लोग एक एक करके आकर निकालेंगे, और उसको खोलना नहीं है, उसको जैसा है वैसा ही रखना है अपने पास, ठीक है। सबसे पहले 4th क्लास से रोल नंबर 1 आएंगे, 4th क्लास से रोल नंबर 1 आ जाओ, आगे आ जाओ, जल्दी जल्दी करना है, 2 भी आ जाओ उनके पीछे। इस बॉक्स को खोलो और इसमें से एक एनवलप निकालो, आप भी निकालो, 5th क्लास रोल नंबर 1 ऐसे अपने पास ले जाओ, साथ में रखना है, ठीक है, खोलना नहीं है अभी, इसमें एक सरप्राइज है, एक्टिविटी के लिए सरप्राइज, ठीक है। नेक्स्ट रोल नंबर 3 भी आ जाओ साथ में, 4 भी आ जाओ, 5, 6, 7, 8 अच्छा वो चले गए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपके एनवलप में कुछ कागज हैं, ठीक है, अब सुन लो, अब जो करना है वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। उसमें कुछ जो है वर्ड्स है, ठीक है, कुछ शब्द हैं, उन शब्दों के जरिए, उन शब्दों को यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए आप लोगों ने एक कहानी बनानी है, ठीक है, कहानी बनानी है, मजेदार कहानी होनी चाहिए, ठीक है। कहानियां पसंद है ना आप लोगों को, हाँ, तो जो जैसी कहानी आपको पसंद है वैसी आप एक कहानी बनाएंगे, ठीक है, कोई भी कहानी, चाहे आपने सुनी है चाहे नहीं सुनी है, या अपनी तरफ से जो भी आप कहानी बनाना चाहे बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और उसमें वाक्य जो है बिल्कुल सही होने चाहिए, ठीक है, शब्द बिल्कुल सही होने चाहिए, वाक्य पता है ना आप लोगों को, जंबल नहीं होने चाहिए, जंबल बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपका, बिल्कुल सीक्वेंस में आपका वाक्य होना चाहिए, उसके वर्ड्स के सभी मात्राएं सही होनी चाहिए, वर्तनी सही होनी चाहिए, ठीक है। और जो स्टोरी है वो, उसको स्टोरी को, अपनी स्टोरी को एक आपने टाइटल भी देना है, टाइटल पता है ना, कहानी को नाम, जैसे शेर और चूहा, कहानी सुना है आप लोगों ने, हाँ, तो इस तरह की एक टाइटल भी देना है उसको, ठीक है। सभी रेडी है, सबके पास नोटबुक है, पेन भी है, तो आप लोग क्या करेंगे, जब मैं बोलूंगा 1, 2, 3 बोल के स्टार्ट बोलूंगा, तब आपने इसको खोलना है, और आपने सारे जो उसमें वर्ड है उसको बाहर निकालना है, उसको सामने रखना है, और सोच कर कौन सा वर्ड आपने कहां फिट करना है, ये आपकी मर्जी है, 5 वर्ड सबके एनवलप में है, ठीक है। तो उन 5 वर्ड्स को टोटल यूज करना है आपने, उसके बाद ही आपका 1st-2nd पोजीशन बताया जाएगा, ओके। कहानी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, चाहे छोटी भी कहानी हो ना, पर उसका स्टार्टिंग होना चाहिए, स्टार्टिंग पता है ना आप लोगों को कैसे होता है, पढ़ा है ना, कहानियां पढ़ी है आप लोगों ने,
तो स्टार्टिंग सही होना चाहिए और एंडिंग बिल्कुल सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए एंडिंग, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग होता है, बीच में आप ये जो आप स्टोरी उसमें लिखना चाह रहे लिख सकते हैं। समझ गए सभी? स्टार्ट करें, 1 2 3 स्टार्ट। का स्टोरी राइटिंग कंपटीशन था, जो एक एक्टिविटी थी, उसमें दो बच्चे जिनका सबसे अच्छा है वो है, एक आयान है एक भविष्य है। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि किसका दोनों में से किसका और अच्छा है, ठीक है। चलो आप रीड करो स्टोरी को। एक जंगल था, वहाँ बहुत पेड़ पौधे थे और वहाँ एक नदी भी थी। वहाँ एक दिन एक भालू जा रहा था, उसने देखा कि यहाँ वहाँ एक बकरी डूब रही थी और भालू चिंतित हो गया और उसे एक बैल दिखी, उसने उसे बकरी की तरफ फेंका और वह बकरी उसे पकड़कर बाहर आ गई। एक दिन भालू के आँख में एक तिनका चला गया और उसे ठीक से नहीं दिखने लगा और बकरी ने वह तिनका निकाला और बोली कि तुमने मेरी मदद की थी और मैंने भी तुम्हारी मदद की। और दोनों की दोस्ती हो गई। कैसी लगी कहानी? अच्छी। क्लैपिंग करो। और बहुत कम गलतियां हैं बच्चों में। वेरी गुड बेटा। चलो इधर आओ। भविष्य अपनी कहानी लेकर आओ। चलो आप वहीं से पढ़ लो, कोई बात नहीं। वेट वेट, आप यहीं से पढ़ लो, ठीक है। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, उनमें से एक पौधा नदी के पास था। तभी वहाँ पर बाढ़ आ गई, तभी वह पौधा नदी में डूबने लगा। तभी उस पौधे को एक आदमी ने देख लिया और उसने उसी पौधे को उसी जगह पर गाड़ दिया जहाँ पर वह था। वहाँ पर एक तिनका गिरा तो उसने उसे उठा लिया। वह अगले साल जब उधर आया तब उसे बहुत खुशी हुई क्योंकि वह पौधा बहुत बड़ा हो चुका था। तभी उधर एक आदमी आया और उसे धक्का मारकर चला गया। तभी उसने उस पौधे को पकड़ा और वह नदी पर जाने से बच गया। अगर आप किसी की सहायता करते हो तो वह भी आपकी सहायता करेगा। वेरी गुड। क्लैपिंग करो। कैसी है कहानी? अच्छी। तो दोनों कहानियों में आपको क्या सीखने को मिला? दोनों कहानियों में अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वो भी आपकी मदद जरूर करेगा। जरूर करेगा। और अगर आप किसी की मदद नहीं करके उसको टीज करते रहते हो तो क्या होगा? वो भी आपको कभी ना कभी टीज करेगा, तंग करेगा, है ना। तो बहुत अच्छी कहानियां लिखी और आप लोगों ने भी बहुत अच्छी कहानियां लिखी थी।
प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारे वर्ड में स्पेलिंग की प्रॉब्लम, ठीक है। तो इन दोनों में सबसे अच्छा जो था, जो मेरे हिसाब से लगा, वो अयान का था। तो अयान फर्स्ट है और भविष्य सेकंड, ठीक है। शब्दों में जो गलतियां हैं उसके ऊपर, तो दोनों के लिए क्लैपिंग करो। और आप लोगों के पास एक और टास्क है कि कल आप लोग इन्हीं शब्दों से और अच्छी कहानी बनाओगी जिसमें बिल्कुल भी गलतियां ना हो, ठीक है। यस सर। घर से भी आपने ये काम करके आना है, ठीक है। और उसमें एक भी गलती नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से तैयारी से। आपके पास टाइम भी बहुत होगा, yes, तो टाइम कम था, तो अभी जब घर जाओगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा, तो बहुत अच्छे से स्टोरी अच्छी स्टोरी बनाए, ठीक है। यस सर। इसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरी आप बना सकते हैं, ओके। Bye. 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 Bye.